हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में जीरो कॉस्ट आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो किचन से रिलेटेड है और कबाड़ से जुगाड़ करके हम कैसे अपने घर को, किचन को सजा सकते हैं। तो आज ऐसे छोटे छोटे से टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ में जो किचन की हम क्लीनिंग करते हैं, तो उसके ज़रूरी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख लीजिए, सबसे पहला तो जैसे कि हम कंटेनरों को यूज़ करते हैं, तो जो किचन होती है उसमें जो हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो बहुत जल्दी है जो इनके कंटेनर होते हैं ना, ये बहुत गंदे हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, और इनको है ना जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बाहर से कंटेनर नहीं मंगाया, छोटे छोटे जो पतंजलि वाले शहद की शीशी होती है, डिब्बे होते हैं, उन्हीं में छोटे छोटे मैं मसाले रख देती हूँ। तो ऐसे हमारे पैसे भी बच जाते हैं, साथ में इन चीज़ों का रीयूज़ भी हो जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो इनको गर्म पानी में अच्छी तरीके से डिप करके रख दीजिए आधा घंटे के लिए, क्योंकि जब हम इनको इस तरीके से साफ़ करेंगे ना, तो जो इसमें स्टिकर लगा होगा वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगा, साथ में जो इनमें गंदी स्मेल आ जाती है मसालों की वो भी निकल जाएगी, और ये बहुत अच्छे से शाइन मारने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो कंटेनर होते हैं किचन के, उनको साफ कीजिए, और पूरा किचन एकदम से आप साफ मत कीजिए, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप किचन को साफ कीजिए, और 10 दिन में, हफ्ते में आप ज़रूर से ज़रूर एक कोना पकड़ लीजिए, तो वहीं से आप सफाई कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। तो ये तो है किचन की क्लीनिंग से जुड़े छोटा सा टिप्स। अब देखिए दोस्तों, गर्म पानी में जब मैंने निरमा डालकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, तो ये कंटेनर बिल्कुल साफ हो गए हैं। जो इनमें स्टिकर लगा हुआ था ना, वो भी अच्छे से रिमूव हो गया है, क्योंकि गर्म पानी की वजह से है ना गोंद इनमें बहुत ज़्यादा लगा होता है, जिसकी वजह से ये इजीली हट जाता है। किसी किसी में अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा जैसे ही मैं एक दो बार करूंगी। और देखिए, ये छोटे छोटे से कंटेनर हम बाहर से लेकर आते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पतंजलि के जो शहद के शीशी होती है ना, उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, और अपने घर के, अब मेरा छोटा सा किचन है, उन्हीं में इन चीज़ों को अरेंज करके रख देती हूँ। साथ में देखिए, जो ये चीनी और चाय के जो कंटेनर है ना, ये मेरे बहुत ज़्यादा पुराने हैं, इनका जो प्रिंट था वो भी निकल गया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी पुराने और भद्दे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको नया लुक दिया जाए, मुझे ज़्यादा अच्छे से कोई ड्राॅइंग वगैरह या कलाकारी नहीं आती है, इसीलिए मैंने एक्रेलिक कलर से बस डॉटेड डॉटेड करके सारे कलर इसमें कर दिए हैं। ढक्कन को भी इस तरीके से, जो इनका ढक्कन है उनको भी इस तरीके से एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया है। साथ में मैंने जो मास्किंग टेप है, उस पर जो शुगर है, टी है, सॉल्ट है, इस तरीके से लिख दिया है, ताकि मुझे इजी टू यूज़ रहे, ताकि है ना दिखने, मसाले चाहे कोई भी सामान मैं ग्रोसरी का डालूँ तो वो आसानी से दिख जाए। और ये देखिए, ये घी का डिब्बा था, जो कि मैंने इसको भी है ना एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है, और इस तरीके से इसमें भी लिख दिया है। तो ऐसे छोटे छोटे से आइडियाज़ करके हम अपने किचन को थोड़ा सा बेटर लुक दे सकते हैं। ये देखिए, कॉफ़ी का जो छोटा सा जार था, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, तो इसमें भी मैं कुछ ना कुछ डेकोर आइटम कर सकती हूँ, कुछ भी सजा कर इसमें रख सकती हूँ, चाहे से आर्टिफिशियल प्लांट लगा दीजिए, लीफ्स लगा दीजिए, या फिर ओरिजिनल प्लांट लगा सकते हो, या फिर टी लाइट होल्डर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपने घर को चेंज किया है, थोड़ा सा डेकोर किया है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ये कॉफ़ी मग है, इसको इस तरीके से, कॉफ़ी का जो कंटेनर है जो कि कांच का है, तो इसको इस तरीके से मैंने सजा दिया है। इसमें मैंने जो ओरिजिनल प्लांट्स है उसकी लीव्स लगा दी है पानी भर के, तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ज़्यादा अच्छे से मुझे मतलब ड्राॅइंग वगैरह या कलर करना नहीं आता है, तो जैसा सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ताकि हर कोई आसानी से कर दे। इसमें मैंने वाइट और जो पिंक कलर होता है उसको मिलाकर ये कलर तैयार किया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अब देखिए, किचन में चलते हैं। मेरा किचन बहुत छोटा है, छोटी सी किचन की स्लैब है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जिसमें कि बहुत सारा सामान अरेंज हो जाए। तो ये सबसे पहले तो ये देखिए, जो ये ट्रे है, मतलब ये जो
सामान रखने के लिए जो ये ट्रे है तो इसका मैंने यूज़ किया है, और इसमें बहुत सारे जो मेरे कंटेनर है वो आसानी से आ जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनमें सारी चीज़ें रख दी है और साथ में उन पर स्लिप भी लगा दी है ताकि मुझे इजी रहे, ताकि मैं इनको जब मुझे यूज़ करना हो तो इनके नाम के साथ मैं इनको यूज़ कर सकूँ और मुझे ढूंढना ना पड़े। तो इसलिए मैंने इस तरीके से इनको अरेंज किया है। तो ये जो स्टैंड होता है ना प्लास्टिक का, चाहे आप मेटल का मंगा लीजिए मीशो से या फिर जो लोकल मार्केट से भी आ जाएगा, तो ये चीज़ें है ना छोटे किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो यहाँ पर देखिए साइड में है ना ये जो मिठाई का डिब्बा होता है ना, इससे मैंने ये छोटी सी टेबल बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। नीचे भी मैं इसमें सामान रख सकती हूँ और इसके ऊपर भी। तो यहाँ पर मैंने जो फॉइल पेपर के रोल होते हैं ना उनके जो लेग्स बना दिए हैं इसके, और उनको भी कवर कर दिया है कलर पेपर से। तो ये मेरी छोटी सी है ना टेबल बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर भी सामान आसानी से रख सकती हूँ। इसमें छोटे से कंटेनर में मैंने देखिए छोटे छोटे से आइटम रख दिए हैं, और ये जो बिस्किट वगैरह हम लेकर आते हैं उनमें केक वगैरह होते हैं बच्चों के, उसमें निकल आते हैं ये प्लास्टिक के, तो मैंने इनको भी यूज़ कर लिया है। साथ में देखिए जो ये छोटी सी टेबल बनाई है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ऐसे छोटे छोटे से जुगाड़ करके हम अपने किचन को बहुत ही अच्छे से सजा सकते हैं। स्मॉल जो किचन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा किचन, उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अरेंज भी कर पाएंगे और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो मिठाई का डिब्बा है जिसको हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, तो इसका भी यूज़ हो गया है। तो अब आप देख सकते हो जो ये बास्केट है, तो इस तरीके की बास्केट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और मैं इस तरीके की बास्केट ज़रूर परचेज करती हूँ, या फिर मैं कार्डबोर्ड बॉक्स से ही बास्केट बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो बास्केट है इसके अंदर मैंने कवर बिछा दिया है ताकि ये ना गंदा हो जाए, ऑयल वगैरह गिर जाए या कोई भी डस्ट हो, तो बस इस कवर को झाड़ कर ही हम रख सकते हैं ताकि हमारा समय भी बच जाए और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। साथ में देखिए जो ऑयल है वो मैंने इस बॉटल में डाल दिया है, क्योंकि ये बॉटल है जो मेरे बच्चे को नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा है इसको ऑयल के लिए यूज़ कर लिया जाए। नीचे मैंने एक कंटेनर रख दिया है ताकि जो ऑयल निकलेगा यूज़ करने के टाइम वो कंटेनर में ही जाएगा, पूरा बास्केट ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा मतलब तेल वाला या जो होता है ना चिपचिपा नहीं होगा। और ये जो छोटा सा पॉट है ये है करवा चौथ का, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया है जो स्पून होल्डर के रूप में। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पून स्पैचुलास वगैरह फोक वगैरह सब कुछ इसमें अरेंज कर दिया है। तो देखिए इतनी छोटी सी चीज़ जगह पर मैंने कितना अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज की है, और आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई है। नीचे की साइड भी छोटे छोटे से आइटम आ गए हैं और ऊपर देखिए इस तरीके से बास्केट में ये सामान आ गया है। साथ में पानी के लिए मैंने एक मटका बंटा रखा हुआ है, कलसा रखा हुआ है। साथ में ये देखिए स्टैंड है और ये फॉइल पेपर है। इस तरीके से हैंगिंग करके मैंने जो कील वगैरह जो हुक्स होते हैं इनको दीवार पे लगाया हुआ है ताकि मैं हैंगिंग वाली चीज़ें यहाँ पर हैंग कर सकूँ, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें देखिए मेरी हैंग हो गई है। ऐसे हुक्स मार्केट में बहुत ही अच्छे दाम पर मिल जाते हैं जिस पर कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें हैंग हो जाती है, और कील से अच्छे होते हैं ये। कील अगर हम लगाते हैं ना तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये वाले हुक्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा लुक मेरी किचन का है, बहुत छोटी सी किचन स्लैब है, तो मैंने इस तरीके से इसको डेकोर किया है। आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। दूसरा आइडिया भी देख लीजिए दोस्तों, ये जो फ्रीज का मेरा पूरा कवर था, मतलब पूरा कवर हो जाता था लेकिन साइडों से ये फट गया था, तो मैंने इसको पूरा प्रॉपर निकाल दिया और ऊपर का जो सामने वाला पोर्शन था ना उसी को मैंने ऊपर की साइड कवर कर दिया, यानी इसका जो फ्रिज का ऊपर वाला मैट सा बना दिया है। तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और हर दूसरे तीसरे दिन हमें फ्रिज को अंदर से बाहर से साफ कर देना चाहिए ताकि ये जल्दी से गंदा ना हो। अब इसको सजाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने जो मिठाई का डिब्बा किचन में यूज़ किया था ना उसी का नीचे वाला पार्ट ये है। ऊपर वाला पार्ट तो मैंने उसमें जो टेबल बनाई थी उसमें यूज़ कर लिया है, नीचे वाला पार्ट है तो इसमें मैंने एक ट्रे बना दी है। एक थोड़ी सी लेस पड़ी हुई थी तो लेस को मैंने यहाँ पर आगे की साइड चिपका दिया है, ज़्यादा लेस नहीं थी, और अंदर मैंने ग्रीन कलर का पेपर इस पे चिपका दिया है। तो ये मेरी खूबसूरत सी DIY ट्रे बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसमें मेरे बच्चे की ट्रॉफी वगैरह रख दूँगी। साथ में ये बॉटल है जो कि पानी की वेस्ट बॉटल है, इसको कट करके मैंने ये वाला DIY बना दिया है, कलर कर दिया है, और
इस तरीके से ये मेरा फ्रिज का कॉर्नर जो है जगह है वो भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है, डेकोर हो गई है। तो आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़े भी यूज़फुल लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाहर से हम मार्केट से महंगे महंगे आइटम लाने के बजाय अगर घर में ही कबाड़ से जुगाड़ करके अपने घर को और किचन को सजाएं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ऐसे आइडियाज़ मैं फिर से लेकर आऊँगी। बाय।